Hello friends, you are welcome in BSD Infotech. In this video, I explain you how to create user login for software access in club software. So guys, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, उसे लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे गाइज मास्टर मॉड्यूल के अंदर और उसके अंदर हम जाएंगे यूजर सेटअप के अंदर. तो गाइज यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट यूजर. क्रिएट यूजर पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है एक फॉर्म दिख जाता है. अब गाइज जो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय बनाया हुआ था, हम उस यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम जिसका हमने लॉगिन बनाना है. तो गाइज जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट एनजे के नाम से एक जो है एम्प्लॉय है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ. यहाँ पे मैं इसको एक यूजर नेम दे देता हूँ. यूजर नेम मैं इसको दे देता हूँ एनजे नमन. और यहाँ पे जो है मैं इसका यूजर टाइप सिलेक्ट कर देता हूँ कि किस टाइप का है ये. एडमिन टेस्ट यहाँ पर मैं इसका यूजर टाइप डिफाइन कर देता हूँ. यहाँ पर मैं इसका एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ. और मैं इसे सेव कर देता हूँ. तो गाइस सेव करते ही यहाँ पर जो है मैसेज आ जाता है, आर यू श्योर टू सेव दिस अकाउंट, यस. तो यहाँ पे मुझे जो दोबारा मैसेज मिल गया है, न्यू यूजर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली. मैं इसे ओके कर देता हूँ. तो गाइज अभी आपने इसमें देखा कि मैंने जो यूजर है वो क्रिएट कर दिया है. अब हम देखेंगे कि जो वो यूजर है वो लॉगिन कैसे करेगा, ठीक है गाइज. तो गाइज उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर में हम जाएंगे, लॉगिन करते हैं. अब देखते हैं यहाँ पे अभी एडमिन से लॉगिन था मैं. अब मैं नमन के नेम से लॉगिन करता हूँ. तो वहां पे मैंने जो यूजर नेम था एनजे नमन रखा हुआ था और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और एंटर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ. तो गाइस आपने देखा ये डैशबोर्ड जो है ओपन हो चुका है. तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे जो है यूजर का लॉगिन क्रिएट करेंगे. और मैंने आपको यहाँ पे यूजर का पहले तो लॉगिन क्रिएट करना सिखाया, फिर ऊपर उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि यूजर का जो लॉगिन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा. तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.